भारत में महिला ड्राइवरों की संख्या पुरुषों के मुकाबले बहुत कम है, या यूं कहें कि ना के बराबर है। अगर है भी तो उन्हें कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कोई महिला घूंघट निकालकर भी धुआंधार बस चला सकती है? सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है। महिला ड्राइवर ने घूंघट निकाला हुआ है और मजे से बस ड्राइव कर रही है। आखिर क्या है घूंघट वाली महिला ड्राइवर का सच, चलिए बताते हैं आपको। सड़क पर हॉर्न बजाते हुए चलती एक बस, बस की ड्राइविंग सीट पर राजस्थानी वेशभूषा में एक महिला बैठी हुई है। महिला ने एक कुशल ड्राइवर की तरह एक हाथ से स्टीयरिंग और दूसरे हाथ से बस का गियर पकड़ा हुआ है। लेकिन जरा महिला के चेहरे को ध्यान से देखिए। परंपरा या सम्मान दर्शाने के लिए निकाले जाने वाले घूंघट का साथ चौखट के बाहर भी नहीं छूटा है। महिला ने बस चलाते हुए भी चेहरा ढकने के लिए घूंघट निकाल रखा है। ये लंबा घूंघट डाल के महिला ड्राइवर जिस धुआंधार अंदाज में बस चला रही है, वो कौतूहल भी पैदा करता है और सवाल। आखिर कोई इस लंबे घूंघट को काट कर बस कैसे चला सकता है, और इस तरह से घूंघट काट कर बस चलाने की जरूरत क्या है? इन सवालों का जवाब आपको देंगे, जो बेहद दिलचस्प है। लेकिन उससे पहले आपको इस वीडियो को कुछ और चीजों से रूबरू करवा देते हैं। वीडियो बनाने वाले व्यक्ति ने इस बस के रूट का पता बताने वाले बोर्ड को भी अपने कैमरे में कैद किया है, यानी ये बस कहां से कहां तक की है। वायरल वीडियो में इसकी भी जानकारी है। बस के आगे वाले शीशे के पास लगी प्लेट में लिखा है, मकराना से बिदासर वाया कुचामन, डेडवाना, लाडनू, सूजानगर और छापर। सोशल मीडिया में लोग घूंघट काढ़कर बस चलाती महिला के वीडियो को देखकर चुटकी लेते हुए लिख रहे हैं, रोडवेज की महिला ड्राइवर की ससुराल में ड्यूटी लग गई। वहीं विजय राणा नाम के एक व्यक्ति ने इस स्थिति को लेकर अपनी चिंता जाहिर करते हुए लिखा, पिछड़ेपन और आधुनिकता की विडंबना। एक ओर घूंघट थोपने वाले समाज की भर्त्सना होनी चाहिए, तो दूसरी ओर इस साहसिक बेटी का उत्साहवर्धन होना चाहिए, न कि उसका मजाक बनाया जाना चाहिए। वायरल वीडियो पर हंसी चिटोली भी सही है और चिंता भी सही, लेकिन सवाल उठता है कि क्या ड्राइविंग का ये अंदाज बस में बैठे यात्री या खुद ड्राइवर के लिए खतरनाक नहीं है? क्या वाकई रोडवेज में कोई महिला ड्राइवर घूंघट काढ़कर बस चलाती है? घूंघट काढ़कर बस चलाती ये महिला भी है या नहीं, सवाल ये भी है। सवालों के जवाब और वीडियो के सच तक पहुंचने के लिए एबीपी न्यूज की वायरल सच टीम पड़ताल शुरू कर दी है। पड़ताल के लिए हम सीधे राजस्थान के मकराना जा पहुंचे। हमने मकराना बस डिपो पहुंचकर वीडियो में दिख रही महिला ड्राइवर के बारे में पूछताछ शुरू की। कुछ ही वक्त में हमें वायरल वीडियो में दिख रही महिला ड्राइवर का पता मिल चुका था, और उसके कुछ देर बाद हमारी मुलाकात उस महिला ड्राइवर से हुई। वो कौन है ये आप भी देखिए। आपकी टीवी स्क्रीन पर दो वीडियो दिख रहे हैं, एक तरफ है वायरल हो रहा वीडियो और दूसरी तरफ है पड़ताल में सामने आई वही घूंघट वाली महिला। हमें अपनी पड़ताल में पता चला कि जिस महिला ड्राइवर का वीडियो व्हाट्सएप से लेकर फेसबुक तक चर्चा का विषय बना हुआ है, वो असल में महिला है ही नहीं। जी हाँ, चौंकिए मत, ये बेहद दिलचस्प खुलासा हुआ है हमारी वायरल पड़ताल में कि जिसे वायरल सच में लोग महिला समझ रहे थे, वो दरअसल महिला नहीं, एक पुरुष है। और महिला का वेश रचने वाले इन ड्राइवर का नाम है छोटू राम, और छोटू राम बिदासर के रहने वाले। छोटू राम ने हमें बताया कि वायरल हो रहा ये वीडियो इसी साल की होली यानी 2 मार्च का है। छोटू राम ने कुछ अलग करने के लिए महिला का स्वांग रचा था, जो कि स्थानीय परंपरा का हिस्सा भी है, और महिलाओं जैसी वेशभूषा बनाई। कहीं कोई शक न रह जाए, इसके लिए उन्होंने अपनी वो सेल्फी भी दिखाई जो उस समय ली गई थी जब छोटू राम ने महिला का वेश धरा था और बस चलाने जा रहे थे। माथे पर बिंदी, होठों पर लाली और ठीक किसी महिला की तरह ही साज श्रृंगार। अब इसके बाद छोटू राम ने हमें ये महिला वेश धरने के वजह बताई। तो हर साल मैं होली को ऐसा सांग करता हूँ, महिला का कपड़ा पहन के और घूंघट में गाड़ी चलाता हूँ, महिला को जागरूक करने के लिए।
तो महिला भी गाड़ी चला सकती है इस तरह। मैं जैसे मैं चलाता हूँ उसी तरह ये सोचता हूँ कि महिला भी मतलब गाड़ी चलाने के लिए आगे आए और गाड़ी चला सकती है, सब कुछ कर सकती है। लेकिन घूंघा तोड़ने की जरूरत क्या थी? इस सवाल पर छोटू राम का कहना था कि वो ये बताना चाहते थे कि महिलाएं कितनी भी आधुनिक हो जाएं, वे अपनी परंपराओं का सम्मान करना नहीं भूलती। और दूसरी वजह यह है कि अगर वो घूंघट नहीं ओढ़ते तो लोग उनकी पहचान जान जाते और फिर ये पूरा कौतूहल खत्म हो जाता। यानी राजस्थान की सड़कों पर घूंघट ओढ़कर बस तो चलाई गई थी, लेकिन ड्राइवर कोई महिला नहीं बल्कि पुरुष था। इसलिए हमारी पड़ताल में घूंघट की आड़ में धुआंधार बस चलाने का दावा झूठा साबित हुआ है। ये है ABP News, आपको रखे आगे।